दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। आज मैं आपको ऐसी नायाब चीज के बारे में बताने जा रही हूँ, ऐसे अमृत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका सेवन करने से पेट की 80 तरह की बीमारियां दूर होती हैं। ये बवासीर को तो जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों अगर आपको पेट में बहुत जलन महसूस होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है, पेट में गैस बनती है जिसके कारण एसिडिटी बनने के कारण आपकी बॉडी में खून भी कम हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी रहती है, आपको अपच की समस्या रहती है, अफारा सा रहता है, आपको कब्ज की समस्या रहती है, भूख बहुत कम लगती है, ये सारी समस्याओं को ये सिर्फ एक चीज काम करती है। दोस्तों आजकल का जो मौसम चल रहा है ज्यादातर लोगों को पेट में या सीने में एसिडिटी की समस्या, जलन की समस्या या बवासीर की समस्या बहुत ज्यादा सताती है, पैरों के तलवों में जलन बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों जब भी आपको घबराहट हो या फिर गर्मी महसूस हो, बेचैनी महसूस हो तो तुरंत आपने इस नुस्खे का इस्तेमाल कर लेना है। आप खुद देखेंगे कि ये सारी की सारी घबराहट हो रही है, एसिडिटी हो रही है, जलन महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा अपच सा लग रहा है, गैस बन रही है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर किसी को बहुत पुरानी बवासीर की समस्या है, मस्से बन चुके हैं, मस्सों में से खून आता है, दोस्तों ये बवासीर की समस्या को तो जड़ से खत्म करने की काबिलियत रखता है। उससे पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी जानकारी देनी थी कि हम दोनों रोजाना सुबह 6 से 7 मेडिटेशन की क्लास लेते हैं हेल्दी लाइफ मोटिवेशन चैनल पर। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप भी मेडिटेशन को सीखना चाहते हैं 6 से 7 रोजाना हमसे मिलें। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो कौन सी साधारण सी चीज है जिसके द्वारा पेट के रोग भी दूर हो जाते हैं और बवासीर भी दूर हो जाती है? दोस्तों वो चीज है गोंद गतीरा। अब गोंद गतीरा पेट के रोगों में आपने अलग तरीके से इस्तेमाल करना है, बवासीर में थोड़े अलग तरीके से तैयार करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से इसे बनाना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों ये गोंद गतीरा साधारण सा दिखने में ऐसे होता है, ये बहुत ही कमाल की चीज है, आप इसे साधारण नहीं माने। आपने क्या करना है, 4 से 5 टुकड़े लेने हैं गोंद गतीरे के और उसे आपने 4 से 5 घंटे के लिए पहले भिगो देना है। 4 से 5 घंटे के अंदर ये फूल कर बहुत ज्यादा जल रूप में बन जाता है। ये जल रूप में बना हुआ ही हमने इस्तेमाल करना है। आप इसे किसी भी छलनी की सहायता से छान लीजिए और इसमें से सिर्फ आपने 2 चम्मच लेने हैं, 1 गिलास में डाल लीजिए। आप चाहे तो इसके अंदर दूध डालें या पानी डालें, हम यहाँ दूध डाल रहे हैं, दूध डालकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं आधा दूध और आधा पानी भी डाल सकते हैं। मिठास के लिए हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों मिश्री। आप इसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं, वो भी मिठास कर देगा, कलर भी कर देगा, बच्चे भी बहुत आसानी से ले सकते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जिस भी इंसान को एसिडिटी बनती है, गैस बनती है, अपच है, अफारा है, वो सभी लोग यानी पेट के सभी तकलीफों के लिए आपने इसका सेवन रोजाना 2 चम्मच ऐसे ही दूध या पानी के अंदर मिक्स करके ऊपर से मिश्री डालकर जरूर सेवन करना है। पेट की सभी तकलीफें दूर हो जाती हैं, एसिडिटी तो बिल्कुल छूमंतर हो जाती है। एसिडिटी के कारण कुछ लोगों को सिर दर्द होता है, कुछ लोगों को आयरन की कमी हो जाती है एसिडिटी के कारण, कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, जोड़ों के अंदर दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों अगर आप गोंद गतीरे को घर पर मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप बहुत आसानी से घर पर मंगवा सकते हैं। आप vg.com से और amazon से घर पर मंगवा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों पेट के रोगों के लिए आपने गोंद गतीरे का सेवन इस तरीके से रोजाना करना है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको बताऊंगी कि बवासीर में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अगर आप दिल के दौरे से बचे रहना चाहते हैं, दिल को ताकत देना चाहते हैं, हार्ट को मजबूत करना चाहते हैं, फिर भी आप गोंद गतीरे का इस्तेमाल ऐसे ही जरूर करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो भी इसका सेवन जरूर करें। अगर किसी भी इंसान को यूरिन इन्फेक्शन है तब भी इसका इस्तेमाल जरूर करें। कब्ज की समस्या रहती है फिर भी आपको गोंद गतीरे का इस्तेमाल करना है। और अगर आप अपने फेस पर, स्किन पर ग्लो लाना चाहते हैं फिर भी आपने गोंद गतीरे का इस्तेमाल जरूर करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी रहती है फिर भी आप इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि बवासीर की समस्या में सेवन कैसे करना है। हमने ये छनी हुई जो गोंद गतीरे वाला जेल है 2 चम्मच ले लेने हैं।
और इसके अंदर हमने दोस्तों डालना है मिश्री, पिसी हुई मिश्री मिक्स कर दीजिए और इसके साथ हमें एक चम्मच नींबू का रस डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दिन में कभी भी इसका सेवन कर लीजिए। बवासीर की समस्या चाहे कितनी भी पुरानी क्यों नहीं है, या फिर ब्लड आता हो, खून आता हो, मस्से बन गए हो, वो सारी की सारी तकलीफें इस तरह अगर आप गोंद कतीरे का सेवन करते हैं तो वो ठीक हो जाएंगी। दोस्तों ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।